हे गाइस, स्वागत है आपका गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रदीप सिंह और सॉलिड स्टेट का एक और लेक्चर लेके आया हूँ आपके लिए। आज डिफेक्ट्स इन सॉलिड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बात बता देता हूँ आपको। मैंने क्लोज पैकिंग से रिलेटेड एक एनिमेशन वीडियो डाली है, आप उसको देख लेना, गुड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको क्लोज पैकिंग से रिलेटेड, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। डिफेक्ट्स इन सॉलिड की बात करते हैं। देखो, जो डिफेक्ट्स इन सॉलिड में पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली में क्या है कि बुक्स में अलग अलग टाइप से, अलग अलग बुक्स में थोड़ा सा अलग अलग टाइप से इसको क्या किया गया है, डिराइव किया गया। बट मैंने पहले भी कहा मैं आरबीएससी के अकॉर्डिंग ही चलूंगा यहाँ पे, तो आरबीएससी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आरबीएससी क्या क्या कहा गया, बट उसमें थोड़ा सा जो बातें ऐसी हैं जो बतानी जरूरी हैं, जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है आरबीएससी की बुक में या एनसीईआरटी की बुक में, वो भी बात मैं आपको बताते चलूंगा। बट मैं ये बता दूंगा कि फाइनल डिसीजन जो रहेगा आपका वो आरबीएससी के अकॉर्डिंग ही रहेगा, मतलब आंसर तो आपको अकॉर्डिंग टू आरबीएससी ही लिखना है। अब डिफरेंस किस में आता है, डिफरेंस थोड़ा सा टाइप में आ जाता है कि किसी ने दो टाइप से डिवाइड किया, किसी ने तीन टाइप से डिवाइड किया, लेकिन टॉपिक में कोई डिफरेंस नहीं है ना। कि अभी शॉर्ट की दोष है तो शॉर्ट की दोष मतलब शॉर्ट की ही है, उसमें जो बुक में लिखा आरबीएससी में चाहे वो एनसीईआरटी में लिखा हो एक जैसा लिखा, पर थोड़ा सा टाइप में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अब से टाइप कोई नहीं पूछता है कि भाई ये कितने प्रकार के होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन जब भी आते हैं तो ऐसे ही पूछा जाता है कि फ्रेंकल दोष, शॉर्ट की दोष क्या होते हैं, क्योंकि भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप में थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप अपने, देखो बुक अपने अपना हिसाब तो देगी ना। अब सभी एक जैसा छापने लग जाएंगे फिर तो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बस वही वाली बात है, ठीक है। तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड की बात करता हूं मैं आज। डिफेक्ट्स कैसे आते हैं सॉलिड में वो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूं। ऐसा माना गया है, अकॉर्डिंग टू आरबीएससी कह रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसा माना गया है कि जो सॉलिड होते हैं ना, वो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं, अगर उनमें अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित और नियमित हो तो उसको हम आदर्श ठोस कहते हैं, और ऐसा जो है वो जीरो केल्विन पर पॉसिबल है। ऐसा माना गया है, जीरो केल्विन का मतलब जानते हैं परम शून्यता, परम शून्यता पर जो सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनके अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित और नियमित होती है, उनके अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित और नियमित होती है। और ऐसे ठोसों को हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉलिड कहते हैं, ठीक है, इनको हम आइडियल सॉलिड कहते हैं। यानी कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित और नियमित है वो आइडियल सॉलिड होंगे, और ऐसा कहां पर पॉसिबल होता है, ये जीरो केल्विन पर पॉसिबल होता है। और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, अवयवी कणों की व्यवस्था में क्या आ जाती है, अनियमितता आ जाती है और अनिश्चितता आ जाती है, जिसके कारण जो अवयवी कण है वो एक दूसरे से डेविएट हो जाते हैं, मतलब कहें तो अवयवी कणों में विचलन आ जाता है, व्यवस्था अनियमित अनिश्चित हो जाती है। इसी चीज को हमने क्या कहा है, दोष कहा है, कि उस समय सॉलिड में दोष आ चुके हैं। भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन ही ये थी कि भाई उसमें क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित और नियमित होते हैं, लेकिन हमने क्या किया कि हमने जैसे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा किया, परफेक्ट कहां पर होते हैं, वो जीरो केल्विन पर होते हैं, थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होने पर अवयवी कणों की व्यवस्था में अनिश्चितता अनियमितता आ जाती है, जिसके कारण उनमें क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट्स आ जाते हैं, दोष उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आरबीएससी था। अब थोड़ा मैं अपना व्यू रख देता हूं इस चीज पे। अब मेरा व्यू ऐसा है कि जीरो केल्विन जरूरी नहीं कि जीरो केल्विन पर ही सॉलिड परफेक्ट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, प्रिपेयर करते हैं किसी भी सॉलिड को, जैसे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात चल रही है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैं आयनिक सॉलिड की बात कर लेता हूं। हम क्या करते हैं, जैसे कि दो सॉल्यूशन को हम मिला रहे हैं और उससे माना कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो रही है, माना कि क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो अगर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में अगर हम दूसरे सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप मिला रहे हैं और टाइम दे रहे हैं उसको, एक ड्रॉप डाली टाइम दिया, तो आयनों को अगर टाइम मिल रहा है तो सेटल डाउन होने के लिए जितना अच्छा टाइम मिलेगा कॉन्स्टेंट पार्टिकल को या आयनों को, यहाँ पे मैं आयनिक सॉलिड की बात कर रहा हूँ तो आयनिक कह रहा हूँ, तो सेटल डाउन होने के लिए जितना टाइम मिलेगा वो उनका परफेक्शन उतना ज्यादा होगा, क्योंकि वो अपनी पोजिशन पे फिक्स बैठते हैं। अगर आपने क्या किया कि एक सॉल्यूशन ये था, दूसरा सॉल्यूशन ये था और उड़ेल दिया, तो उड़ेलने के बाद क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगी, बहुत फास्ट होगी रिएक्शन, फास्ट होगी क्रिस्टलाइजेशन होगा, और जो सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिनको जहां बैठना चाहिए था वो वहां बैठ नहीं पाएंगे अच्छे से, इसलिए वहां पर इम्परफेक्शन आ जाता है। अब भले जब इम्परफेक्शन आ चुका है एक बार, अब चाहे उनको आप कितना भी टेम्परेचर दे दोगे तो वो जिस स्थान पर बैठे वहीं पर स्ट्रांगली बैठ जाएंगे,
तो हम कह सकते हैं स्ट्रांगली तो बैठ जाएंगे लेकिन इम्परफेक्शन तब भी बना रहेगा। समझ में आ रही बात? तो एक प्रिपरेशन टाइम भी बहुत जरूरी होता है कि सॉलिड को आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो उनके परफेक्शन में बहुत ज्यादा जो क्या होती है कंडीशन होती है वो टाइम भी होती है, कि अगर आपने टाइम नहीं दिया है सॉलिड को बनने में तो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं बन सकता है, फिर वो टेम्परेचर मायने नहीं रखता वहां पे, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता है। लेकिन यहां पर केवल और केवल किसके बारे में डिस्कशन किया गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में इसने डिस्कस किया आरबीसी ने, तो मैं वहीं पे इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो यह तो बात समझ में आ गई होगी आपको, भाई कोई आयनिक सॉलिड है, सॉरी कोई भी सॉलिड है, उस सॉलिड को हम आइडियल कब कहेंगे, जब उसके अभिविकण क्या होंगे, निश्चित और नियमित रूप से व्यवस्थित होंगे, और ऐसा कहां पर होता है, मैक्सिमम जीरो केल्विन टेम्परेचर पर, मतलब ये कह रहा है कि जब हम सॉलिड को बहुत ज्यादा ठंडा कर देंगे, और जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा कि अभिविकणों की व्यवस्था अनिश्चित अनियमित हो जाएगी, इसी को इसने डिफेक्ट्स कहा। अब आरबीएससी के अकॉर्डिंग जो डिफेक्ट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोनिया और बिंदु। एक्चुअली में इसने रेखीय डिफेक्ट्स को बिंदु डिफेक्ट ही माना है आरबीएससी ने, ठीक है, तो आपको भी यही मान के चलना है, बट मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बता देता हूं आप लोगों को, है ना, बट मान के यही चलना है, बिंदु दोष और रेखा दोष एक ही है, ठीक है, मैंने कहा ना अकॉर्डिंग टू आरबीएससी ही आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स कैसे आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ये सब अकॉर्डिंग टू आरबीएससी चलना, मैंने पहले कहा है, तो कोई अगर हायर क्लास का स्टूडेंट है उसको लग रहा होगा कि हमने थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट टाइप से भी पढ़ाया, तो देखो इस पे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, अगर मैं पढ़ाने लगा इसमें तो फॉर्मूले भी लगते हैं, समझ में आ रही बात, और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आगे इसको जब आप पढ़ोगे डिफेक्ट्स कभी हायर क्लासेस में जाओगे तो इसमें तो मैथमेटिक्स भी खूब सारी आ जाती है, तो इतना है नहीं ट्वेल्थ क्लास में, है ना, तो मैं बस केवल ट्वेल्थ आरबीसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, ये बात अपने माइंड में सेट कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स क्या कहा है, देखो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन के कारण आता है, अगर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था में अनिश्चितता और अनियमितता आ गए तो वो डिफेक्ट्स आपका इलेक्ट्रॉनिक दोष है, ठीक है। अब ये आता कैसे, देखो अगर कोई सॉलिड जीरो केल्विन पर है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, कोई भी सॉलिड है उसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल तो होंगे, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे जीरो केल्विन पर क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं, अपनी तलस्थ अवस्था में होते हैं, ठीक है। अब तलस्थ अवस्था में इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या करना है, अगर हमने उसको टेम्परेचर दे दिया तो इलेक्ट्रॉन अपनी तलस्थ अवस्था से कहां चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, बात समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा, जीरो केल्विन पर जो सॉलिड होता है उसके जो अभिविकण होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, हमने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर बढ़ाते ही उसके इलेक्ट्रॉन कहां जाने लग जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाने लग जाएंगे। जैसे वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे हम कह सकते हैं उन्होंने अपना पोजिशन छोड़ दिया, भाई जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्ड में तो होंगे, जब दो कॉन्स्टेंट पार्टिकल के बीच बॉन्ड बनता है तो वहां पर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच ही तो कह रहे हैं, भाई दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये आपका बॉन्ड बना रहे है कि नहीं है। अब मैं कहूंगा कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया और इतना टेम्परेचर था कि ये इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर गया, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल गया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड छोड़ के जाएगा तो वहां पर क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर गया, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ये आराम से क्या कर सकता है, चालकता को बढ़ा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट आने के कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही। अब जो ये होल बना है ना, देखो नीचे भी तो बॉन्ड होगा, और क्योंकि आपने टेम्परेचर दिया है और ये बॉन्ड अब क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये बॉन्ड सेम होने वाले, दो पार्टिकल ये होंगे तो वही दो पार्टिकल ये भी तो होंगे, तो यहां से भी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, अब जो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा तो इस होल में आ जाएगा और यहां एक होल छोड़ देगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आगे आगे बढ़ते जाते हैं, होल पीछे पीछे छूटते जाते हैं, है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन के गमन की दिशा और होल के गमन की दिशा डिफरेंट हुई कि नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है होल नीचे छोड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण कंडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी, होल भी बन रहे हैं और उन होल में ही तो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, अब नीचे वाला ऊपर जंप करेगा, इधर वाला इधर जंप करेगा, कहीं से भी कर सकता है ना, तो होल भी बन रहा है और इलेक्ट्रॉन गमन भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, और ऐसे दोष को हम इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। अब ये कंडक्टिविटी इंक्रीज कैसे करती है, होल कहां बनते हैं, जब मैं अर्धचालक पढ़ाऊंगा आपको तो वहां पे मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक दोष इतना ही ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था में अनिश्चितता और अनियमितता आने के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाते हैं। और ऐसा कब होता है कि देखो जब हम जीरो केल्विन पर कोई सॉलिड रखे हुए हैं तो उसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल का जो इलेक्ट्रॉन होगा या जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा वो तो तलस्थ अवस्था में होगा, हीट दी हमने टेम्परेचर बढ़ाया इसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, छिद्र छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, वो रेंडम करेगा, गमन करेगा,
जिसकी वजह से चालकता बढ़ेगी, छिद्र भी तो बन ही रहा है, तो इस छिद्र में भी जंप करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आगे छिद्र पीछे, इलेक्ट्रॉन आगे छिद्र पीछे, इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होगा उसको इलेक्ट्रॉन दोष कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन या दोष की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, बिंदु डिफेक्ट्स क्या कहते हैं? बिंदु डिफेक्ट्स हम ऐसा कहते हैं कि कोई भी सॉलिड है, ऐसे ही होगा ना, तो इसमें किसी एक पॉइंट पर, सपोज करो यहां पे एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल गया, अंतराकाश में आ गया, कहीं भी चले जाएगा, तो किसी एक फिक्स पॉइंट पर क्या होता है, डेविएशन आता है, विचलन आता है, या कहें तो अनिश्चितता और अनियमितता आ जाती है किसी एक फिक्स पॉइंट पर, इसीलिए इसको पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष कहते हैं। अब लीनियर डिफेक्ट में क्या होता है, पूरी की पूरी लाइन में ही डिफेक्ट आ जाता है, यानी कि एक पूरी की पूरी लाइन में क्या हो जाएगा, जो अव्यवीकरण होंगे उनके अरेंजमेंट में अनिश्चितता अनियमितता आ जाएगी, तो वो रेखीय डिफेक्ट्स होता है। पॉइंट डिफेक्ट्स में केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही क्या आता है, अनिश्चितता और अनियमितता आती है, बस इतना सा स्लाइटली डिफरेंस है इसमें। ठीक है, बट इसको दोनों को एक जैसा ही मान लिया यहाँ पे आरबीएससी ने, कि क्योंकि जो बिंदु दोष है वो भी एक रेखा में ही आ रहा है। एक्चुअली में बात तो सही है कि अगर मैं यहां से बात गलत नहीं है, ये भी अगर मैं यहां कहूं कि इस कॉन्स्टेंट पार्टिकल में डिफेक्ट्स आया, ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल निकल गया, तो ये एक किसी ना किसी लाइन में तो हो गई, ये तो बात समझ में आ रही है भाई। किसी भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल को आप इजेक्ट करा दो, बाहर निकाल दो, अगर वहां पर डिफेक्ट्स आ रहा है तो वो एक लाइन में तो हो गए, वो कोई भी कोई ना कोई कॉन्स्टेंट पार्टिकल लाइन में तो हो गए, मैक्सिमम चांसेस तो ये होता है ना, तो इसकी वजह से शायद हो सकता है आरबीएससी ने दोनों को सही मान लिया। तो आप भी मान के चलो कि बिंदु डिफेक्ट्स पर मैंने थोड़ा डिफरेंस बता दे कि बिंदु डिफेक्ट्स एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है और रेखा डिफेक्ट्स पूरी की पूरी लाइन के लिए होता है। ठीक है, इसमें सारे के सारे कॉन्स्टेंट पार्टिकल में क्या आ जाएगा, अरेंजमेंट में अनिश्चितता और अनियमितता आ जाएगी, बस इतना सा डिफरेंस है इन दोनों के बारे में। इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं, इसके बारे में पढ़ना है बिंदु डिफेक्ट्स के बारे में, और क्योंकि आरबीसी ने इसको यही मान लिया तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट के बारे में बता चुका हूँ, अर्धचालक इसके बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग होगी आपको कि इलेक्ट्रॉन और होल कैसे गमन करते हैं। अब बात करता हूं बिंदु दोष की, और बिंदु दोष क्या होते हैं मैंने अभी अभी आपको बताया है। बिंदु दोष में जालक बिंदु की व्यवस्था में अनिश्चितता और अनियमितता आती है। जालक बिंदु तो ध्यान है ना, जो अव्यवी कणों को रिप्रेजेंट करते हैं, बस उनकी व्यवस्था में अनिश्चितता और अनियमितता आ जाती है, इसलिए उसको बिंदु दोष कहा है। बात खत्म हुई। बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका स्टाइक्योमेट्री, और एक होता है आपका नॉन स्टाइक्योमेट्री। और एक होता है आपका अशुद्धि दोष। ठीक है, तो तीन प्रकार से इनको हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। सबसे पहले मैं बात करने वाला स्टाइक्योमेट्री दोष की। स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट क्या होता है, ऐसे डिफेक्ट जिसमें अव्यवी कणों के रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आता है, मतलब इनका मूलानुपाती सूत्र चेंज नहीं होगा। अब आप सोचो सर ये क्या बोल रहे हो, मैं ये कह रहा हूं सपोज करो मेरे पास ए फोर बी फोर था, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या बनेगा, ए बी ही तो बनेगा। अगली टाइम में क्या हुआ, डिफेक्ट आया, डिफेक्ट आने का मतलब क्या, कॉन्स्टेंट पार्टिकल ने अपना स्थान छोड़ करके बाहर निकल गया, मतलब क्रिस्टल को छोड़ के निकल गए। सपोज करो ए वाला क्रिस्टल भी, ए वाला कॉन्स्टेंट पार्टिकल भी गया, बी वाला भी गया, जब ए वाला भी जाएगा और एक बी वाला जाएगा तब क्या बच जाएगा, ए थ्री बी थ्री बचेगा ना फॉर्मूला, और इसको अगर हम और सरलीकृत करें तो क्या बन जाएगा, ए बी ही तो बनेगा। बात समझ में आ रही है, तो मूलानुपाती सूत्र तो सेम है ना, डिफेक्ट्स आया भाई, पहले नंबर ज्यादा थे, अब कॉन्स्टेंट पार्टिकल ने स्थान छोड़ दिया, कॉन्स्टेंट पार्टिकल ने स्थान छोड़ा तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल के नंबर कम हुए कि नहीं हुए, लेकिन क्या रेशियो कम हुआ, रेशियो तो कम नहीं हुआ, रेशियो पहले भी 1:1 था, अब भी तो 1:1 है ना, 1:1, 1:1। तो अगर स्टाइक्योमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर अव्यवी कणों की जो रेशियो है अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे वो स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट्स है। अब नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट्स क्या होता है, जिसमें अव्यवी कणों में हम कह सकते हैं कि रेशियो जो होता है वो चेंज हो जाता है, जैसे ए फोर बी फोर था, माना कि केवल बी कॉन्स्टेंट पार्टिकल गया तो ये बच जाएगा आपका ए फोर बी थ्री, अब क्या ये ए बी बन सकता है, नहीं बन सकता, तो हम ये कहेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स है। तो नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट्स में अव्यवी कणों के जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल है उनका रेशियो चेंज हो जाता है, लेकिन स्टाइक्योमेट्री में रेशियो चेंज नहीं होता है। अब स्टाइक्योमेट्री ना दो अलग प्रकार से आता है, अनायनिक में आता है और आयनिक में आता है।
ठीक है। अनायनिक में ये दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं मृत्तिका दोष और एक को कहते हैं अंतराकाशी, ठीक है। और जो अनायनिक में रिक्तिका होता है वो आयनिक में शॉटकी होता है। इसमें स्लाइटली डिफरेंस यही है तो रिक्तिका दोष और शॉटकी दोष एक ही, लेकिन रिक्तिका दोष जो होता है वो अनायनिक में आता है और शॉटकी जो होता है वो आयनिक में आता है, बस ये डिफरेंस है। हैं ये दोनों के दोनों क्या है, सेम, ये दोनों के दोनों डिफेक्ट सेम है। और आयनिक में जो दूसरा डिफेक्ट होता है उसको कहते हैं फ्रेंकल, कौन सा दोष कहते हैं फ्रेंकल दोष। तो अंतराकाशी और फ्रेंकल दोनों के दोनों डिफेक्ट सेम है, पर इसमें डिफरेंस क्या है, ये अनायनिक में आता है और ये आयनिक में आता है। तो आज मैं आपको रिक्तिका और अंतराकाशी डिस्कस करके दूंगा, कल मैं आपको शॉटकी और फ्रेंकल दोष बताऊंगा, ठीक है। तो आज मैं आपको बताता हूं रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष क्या होते हैं, बहुत ईजी है। देखो रिक्तिका दोष क्या होता है, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपना स्थान छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। कोई भी सॉलिड था उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपना स्थान छोड़ करके निकल गया। जैसे सपोज करो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, अभी देखो आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बताता हूं, ये वाला येलो चौक है और ये वाला ब्लू है, स्काई ब्लू। तो स्काई ब्लू से मैं एक को ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, और एक को मैं येलो से कर देता हूं ऐसे, ये येलो वाला है, ठीक है, ये थोड़ा कलर अलग है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपने दो पेन ले लेना, एक लाल ले लेना एक ब्लैक ले लेना। मैं क्या बोल रहा हूं, ये ब्लू 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 और ब्लू, ठीक है, ये ब्लू है और ये ब्लू कलर, मैंने अलग अलग कलर से दिखाया इसको, ब्लू 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 कलर है और स्काई ब्लू जिसको कहते हैं, और ये आपका येलो येलो कलर के हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, यहां से कॉन्स्टेंट पार्टिकल अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। सपोज करो एक येलो वाला गया और एक कौन सा वाला चले गया आपका स्काई ब्लू कलर का कॉन्स्टेंट पार्टिकल, दो अलग अलग कॉन्स्टेंट पार्टिकल यहां से स्थान छोड़ करके चले जाएंगे। अब देखो पहले जितने कॉन्स्टेंट पार्टिकल थे तो येलो और ब्लू कलर के जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल थे इक्वल थे ना, अभी इक्वल थे ना भाई, ये छह रहे होंगे तो ये भी छह थे, अब ये पांच है तो ये भी पांच है, क्योंकि जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल निकला है वो एक येलो टाइप का निकाला मैंने, एक ब्लू कलर का निकाला है। अब इसमें हुआ क्या है कि देखो खाली स्थान बच गया है, दो खाली स्थान बच गए, तो क्योंकि यहां पर रिक्तिका आई है, ये रिक्तिका ही तो है, इसलिए इस दोष को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए रिक्तिका दोष क्या, तो आप कहोगे अगर कॉन्स्टेंट पार्टिकल अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाए और रिक्तिका शेष रह जाए तो उसको हम रिक्तिका दोष कहते हैं, बात खत्म है। अब जैसे यहां पर रिक्तिका आएगी तो डेंसिटी कम होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल कम होगी भाई। अगर दो कॉन्स्टेंट पार्टिकल कम हो गए तो ऑब्वियसली सी बात है डेंसिटी क्या हो चुकी है, कम हो गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए रिक्तिका दोष आने से क्या इफेक्ट पड़ता है क्रिस्टल पे, तो आप कहोगे क्रिस्टल सिस्टम की जो होती है वो डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। और यहां पर स्टोइकोमेट्री क्यों है, क्योंकि स्टोइकोमेट्री मैंने पहले कहा रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो एक मैंने येलो वाला पार्टिकल निकाला तो एक मैंने ब्लू वाला भी निकाला, मतलब मैं समझाने की बात कर रहा हूं ना, तो वो कोई से भी दो कॉन्स्टेंट पार्टिकल होंगे वो दोनों यहां से रिलीज हो जाएंगे। अंतराकाशी में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल है वही सेम बता रहा हूं, ब्लू ब्लू कलर है यहां पे, इसमें से क्या होता है एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाश में आ जाता है, बस ये जो स्थान होता है ना बीच बीच वाला इसको हम अंतराकाश कहते हैं, जो वॉइड्स है ना सॉलिड के बीच में इसको हम अंतराकाश कहते हैं। तो अगर कॉन्स्टेंट पार्टिकल अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में आ जाएगा तो उसको हम अंतराकाशीय दोष कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर डेंसिटी में कोई कमी आने वाले तो आपको बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कॉन्स्टेंट पार्टिकल कहीं बाहर तो नहीं गया ना, अंदर ही है। लेकिन आपकी किताब में एक चीज लिखी गई कि प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि अंतराकाशीय डिफेक्ट्स आने पर जो डेंसिटी होती है वो स्लाइटली इंक्रीज कर जाती है, आंशिक रूप से वृद्धि होती है। तो जनरली कह सकते हैं कि डेंसिटी में आंशिक रूप से वृद्धि, मतलब कोई खास चेंजिंग नहीं आ रहा है, इसलिए हम डेंसिटी अपरिवर्तित भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अंतराकाशीय डिफेक्ट्स में क्या होता है, अगर कॉन्स्टेंट पार्टिकल अंतराकाश में आ जाए, अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में आ जाए, तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, अंतराकाशीय डिफेक्ट कहते हैं। और ऐसे दोनों के दोनों डिफेक्ट्स आयनिक में पड़ेंगे, फ्रेंकल और शॉटकी, उसको मैं कल पढ़ाऊंगा।